आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3 आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। एक साहसिक निर्णय, मैंने पंजाब यात्रा का निर्णय लिया। उस समय मेरी भावना उस वर्ष का चातुर्मास पंजाब में करने की थी, फिर भी यात्रा के प्रारंभ में निर्णय लेने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मैं कभी पंजाब नहीं गया था। वहाँ साधु साधियों को चातुर्मास के लिए भेजा जा रहा था, उन्होंने वहाँ जाकर अच्छा परिश्रम किया। पंजाबी लोग संपर्क में आ रहे थे, तेरापंथी बन रहे थे, पर उनमें स्थातित्व नहीं था। वहाँ के लोग जितने श्रद्धाशील थे उतने ही भावुक थे। पूरी संभाल न होने पर या दूसरा आकर्षण सामने आने पर वे अपनी दिशा बदलने में समय भी नहीं लगाते थे। इन सब कारणों से मैं पूरा अध्ययन करने के बाद ही चातुर्मास की घोषणा करना चाहता था। पंजाब के लोगों की प्रबल इच्छा थी कि मेरा चातुर्मास पंजाब में हो। उन्होंने सर्वसम्मति से लुधियाना का नाम प्रस्तावित किया। लुधियाना क्षेत्र की उपयोगिता स्पष्ट थी, पर वहाँ दो कठिनाइयाँ थीं, उपयुक्त स्थान का अभाव और जिम्मेवार व्यक्तियों की कमी। उधर हरियाणा में सिरसा और भिवानी क्षेत्र भी चातुर्मास के उम्मीदवार थे। हमारे लुधियाना प्रवास में वैशाख कृष्णा अमावस्या को प्रातःकालीन प्रवचन के समय पंजाब हरियाणा और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में चातुर्मास के लिए अनुरोध किया। सरदार शहर से समागत श्रावकों ने हमारा ध्यान थली की और आकृष्ट किया। उस समय चातुर्मास के लिए निर्णय लेने की न तो स्थिति थी और न वह समय ही उपयुक्त था, इसलिए बात आगे के लिए टल गई। ठीक 15 दिन बाद वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को जगराओं में पुनः चातुर्मास की प्रार्थना का दौर चला। उस दिन सरदार शहर और लुधियाना से वहाँ के प्रमुख लोग आए थे। सरदार शहर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री मुनि की अस्वस्थता का हवाला देते हुए चातुर्मास के लिए अनुरोध किया। लुधियाना के प्रतिनिधिमंडल की दलील यह थी कि हम पंजाब में पहली बार आए हैं, इस यात्रा में अच्छा काम हुआ है, यहाँ अधिक समय रहने से और अधिक सफलता की संभावना है, इसलिए एक चातुर्मास पंजाब में होना नितांत अपेक्षित है। प्रवचन के बाद दोनों क्षेत्रों के लोगों ने लगभग 1 घंटे का समय लिया। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनकर मैंने कहा, पंजाबी लोगों की श्रद्धा भक्ति और उत्साह को देखते हुए पंजाब को इतनी जल्दी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उधर मंत्री मुनि के शरीर और मन की जो स्थिति है उसे देखते हुए सरदार शहर के श्रावकों की प्रार्थना का औचित्य समझ में आता है। उसके आधार पर अभी सरदार शहर की घोषणा की जा सकती है, पर मंत्री मुनि के हार्दिक उद्गार मुझे रोक रहे हैं। उन्हें कहा है, आपके दर्शन पाने और उपासना में रहने के लिए मैं छटपटा रहा हूँ, किंतु ऐसी भयंकर गर्मी में इतने साधु साधियों के साथ इतना लंबा रास्ता तय कर इधर पधारने की कल्पना से ही मन कांप उठता है। इन सब स्थितियों का अध्ययन करने के बाद मैं यही निर्णय लेता हूँ कि अभी कुछ समय तक पंजाब में विहरण करने का विचार है। मेरे इस निर्णय से सब लोगों को संतोष था। उन दिनों सुगन चंद जी आंचलिया और सुपकरण दसानी पंजाब आए हुए थे। आगामी चातुर्मास के बारे में उनके साथ संक्षिप्त चर्चा की। उस चर्चा में यह भी सोचा गया कि एक बार वे दोनों सरदार शहर में मंत्री मुनि के दर्शन करें। मंत्री मुनि चाहते थे कि उन्हें केंद्र के पूरे संवाद मिलते रहें, इस दृष्टि से उनका वहां जाना उपयोगी था। वे दोनों गए, मंत्री मुनि से मिले, पंजाब के पूरे संवाद उन्हें सुनाए। चातुर्मास के संदर्भ में पंजाब और दिल्ली का विकल्प सुनकर मंत्री मुनि बोले, नए क्षेत्र में आचार्यों के चातुर्मास का निर्णय सोच समझकर करना चाहिए। जब तक व्यवस्था ठीक न हो चौमासा नहीं करना चाहिए। आंचलिया और दसानी ने कहा, दिल्ली में सारी व्यवस्था हो जाए तो आपका क्या चिंतन है। मंत्री मुनि बोले, शहर की कठिनाइयां तो रहेगी ही, फिर तो अन्नदाता जो सोचेंगे वही ठीक रहेगा। मंत्री मुनि के विचार जानने के बाद मैंने दिल्ली में चातुर्मास करने का मानस बना लिया। उधर दिल्ली के श्रावकों को ऐसी कोई संभावना नहीं थी,
उन्होंने एक दो बार प्रासंगिक रूप में प्रार्थना अवश्य की थी, पर न तो उनकी पूरी तैयारी थी और न उन्हें चतुर्मास की कल्पना ही थी। अकस्मात उन्हें सूचना मिली, मोहनलाल जी कठोतिया, लाला गिरधारी लाल, लाला मंगत राय आदि कुछ श्रावक अविलंब पंजाब में अम्बाला पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में चतुर्मास के लिए आग्रह भरा अनुरोध किया। लुधियाना के लोग भी वहां उपस्थित थे। उनकी प्रार्थना में पूरे पंजाब का जोश था। जगराओं में लुधियाना और सरदार शहर दो क्षेत्रों के लोग उम्मीदवार थे। अम्बाला में सरदार शहर का स्थान दिल्ली ने ले लिया। उस दिन मैंने चतुर्मास की घोषणा नहीं की, पर दिल्ली की दिशा में विहार घोषित कर दिया। उससे दिल्ली के कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। उन्होंने वहां की व्यवस्था का दायित्व मोहनलाल जी कठोतिया को दे दिया। मोहनलाल जी कठोतिया तेरापन समाज के चिंतनशील व्यक्ति थे। कठोतिया परिवार का व्यवसाय कलकत्ता में चल रहा था। मोहनलाल जी वहां से दिल्ली आए। उन्होंने बिना सर के चंपालाल जी बांठिया की पार्टनरशिप में काम शुरू किया। दिल्ली की सब्जी मंडी में उन्हें अच्छा स्थान मिल गया। मोहनलाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और विचारों से आधुनिक थे। उनकी वेशभूषा पारंपरिक थी। वे धोती पहनते और पगड़ी बांधते थे। दिल्ली में भी वे सेठ जी कहलाते थे। उन्होंने दिल्ली के 5-4 परिवारों को तैयार कर वहाँ चतुर्मास की दृष्टि से व्यवस्थाएं शुरू कर दी। इतनी कम तैयारी में दिल्ली चतुर्मास का निर्णय एक दृष्टि से बहुत साहस का निर्णय था। आषाढ़ महीने के आखिरी सप्ताह में हम दिल्ली पहुंचे। सब्जी मंडी, चांदनी चौक, खारी बावली आदि उपनगरों के मुख्य मार्गों पर चलते हुए हम नया बाजार पहुंचे। हजारों लोगों से भरे प्रवचन पंडाल में मैंने मनुष्य को सही अर्थ में मनुष्य बनने की प्रेरणा दी। उसके लिए अनुरत के नियमों पर चलने की बात कही। दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर युद्धवीर सिंह, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बाबा विचित्र सिंह आदि ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने अनुरोध की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उपस्थित जनसमूह को उसके साथ जुड़ने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में पत्रकार भी अच्छी संख्या में थे। दूसरे दिन पत्रों में अच्छी कवरेज थी। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का दिन चातुर्मासिक चतुर्दशी का दिन था। काफी साधु साधियों ने उपवास किया। उस दिन सूरज आग उबल रहा था, हवा प्राय बंद रही। उमस के कारण वातावरण दम घोटू था। प्रकृति के तेवर इतने तीखे थे कि एक उपवास भी कठिन प्रतीत हुआ। गोचरी व्यवस्था में बदलाव। तेरापंथ धर्मसंघ के संविधान में संविभाग पर पूरा बल दिया गया है। इसका आधार भगवान महावीर का समता मूलक दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा है, असंविभागी न हो तस्य मोक्षो। जो साधु भिक्षा में प्राप्त भोजन, वस्त्र आदि उपकरणों का संविभाग नहीं करता, अन्य साधुओं को उनका हिस्सा दिए बिना स्वयं ले लेता है, मनोज्ञ भोजन स्वयं लेता है और अमनोज्ञ दूसरों को देता है, इसी प्रकार अच्छे वस्त्र पात्र अपने लिए रखकर साधारण उपकरण दूसरों को देता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। आचार्य भिक्षु ने महावीर वाणी को आधार बनाकर संविभाग की व्यवस्था की। उस समय भोजन पानी की काफी कठिनाइयां थी। वस्त्र पात्र आदि उपकरण भी सुलभ नहीं थे। सब साधु साधियों की मानसिकता समान नहीं होती। ऐसी स्थिति में आहार पानी एवं वस्तुओं के संविभाग की व्यवस्था आवश्यक रहती है। ऐसी व्यवस्थाओं का मूल्य सामायिक रहता है। समय समय पर उनमें अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। पूर्वाचार्यों ने अपने उत्तरवर्ती आचार्यों को ऐसे परिवर्तनों की छूट दी है। इस छूट का उपयोग भी किया जाता है। इस संदर्भ में परिवर्तन का लंबा इतिहास लिखा जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में आहार पानी की व्यवस्था में हुए बड़े परिवर्तनों की संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। आचार्य भिक्षु के युग में आहार की व्यवस्था सामूहिक थी। पानी की व्यवस्था साधुओं की उनके स्थान पर और साधियों की उनके स्थान पर होती। जितना पानी प्राप्त होता वह एक स्थान पर लाकर रख दिया जाता। फिर कलसीय से मापकर प्रति व्यक्ति के अनुपात से साधु साधियों के सब वर्गों में उसका विभाजन हो जाता। भोजन की व्यवस्था सबकी सामूहिक थी। गोचरी करने वाले साधु और साधियां पूर्व निर्धारित गलियों या मोहल्लों में भिक्षा के लिए जाती। गोचरी में प्राप्त सारा सामान आचार्य के आवास स्थल पर लाया जाता। साधुओं द्वारा भक्ति के रूप में पहले साधुओं को आहार लेने का अनुरोध किया जाता। आवश्यकता के अनुसार साधु पूरा आहार ले लेते, फिर अवशेष आहार साध्वियों को मिलता।
उसे वे अपने आवास स्थल पर ले जाकर संविभाग कर लेती। वर्तमान युग में ऐसी व्यवस्था के सामने तत्काल प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उस समय इस विषमता की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, कहना कठिन है। संभावना की जा सकती है कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच चल रहे भेदभावों का प्रभाव धर्म संघों पर भी था। प्राचीन काल में परिवार में स्त्री सबको खाना खिलाकर अंत में स्वयं खाती थी। वैसे ही साधुओं ने अपनी भक्ति भावना से साधुओं को मनो अनुकूल और पर्याप्त मात्रा में आहार लेने का अनुरोध किया होगा। साधुओं ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर मेरे अभिमत से अपनी अनुदार वृत्ति का ही परिचय दिया। यह क्रम जयाचार्य के युग तक चलता रहा। उन्होंने अपनी दूरगामी सूझबूझ से संघ में अनेक परिवर्तन किए। उसी श्रृंखला में उनका ध्यान इस व्यवस्था की ओर गया। उन्होंने संविभाग का निर्णय लेकर नई परंपरा का सूत्रपात किया। उसके बाद साधु साधियों में आहार का संविभाग होने लगा, पर उसके भी कई रूप बने। पहले साधु के लिए 32 ग्रास और साधियों के लिए 28 ग्रास के आधार पर विभाग होता। फिर समान रूप में विभाग होने लगा। कुछ समय बाद अनुभव होने लगा कि किसी वर्ग में अधिक आहार की अपेक्षा होती है और किसी वर्ग में कम की। बराबर विभाग करने से संतुलन नहीं रहता। विभाग व्यवस्था को अधिक उपयोगी और सरल बनाने के लिए विभाग परिपत्र धड़ा पद्धति का प्रयोग हुआ। विभाग परिपत्र में प्रत्येक वर्ग के अग्रणी साधु साध्वी का नाम अंकित रहता। उनके वर्ग में आहार आदि की कितनी पांति चाहिए पूरा आकलन कर लिया जाता और उसके अनुसार विभाग हो जाता। छठे आचार्य माणकगणी से पहले गोचरी में आए हुए सभी पदार्थ समुच में रहते। माणकगणी कोमल प्रकृति के आचार्य थे। उन्होंने देखा कि आहार का विभाग होते होते बहुत विलंब हो जाता है, फिर सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, इससे कठिनाई होती है। उन्होंने कुछ पदार्थों को विभाग किए बिना ही अपने अपने वर्ग में रखने की आज्ञा दे दी। सातवें आचार्य डालगणी ने बाजरी मोठ आदि की रोटी और छमका, इन दो पदार्थों के अतिरिक्त से सब पदार्थ पुनः समुच में कर दिए। आठवें आचार्य कालूगणी के युग में पुनः कई पदार्थों को समुच के विभाग से निकाल दिया गया। उनके बाद तुलसी युग आया। मेरे युग में 12 वर्षों तक सामूहिक विभाग का क्रम चला। विक्रम संवत 2006 जयपुर चातुर्मास में इस व्यवस्था में कठिनाई प्रतीत हुई। शहर का प्रवास स्थान की दूरी आदि कई कारण सामने थे। मैंने चिंतन पूर्वक निर्देश दिया कि साधुओं की गोष्ठी का विभाग साधुओं के स्थान पर और साध्वियों की गोष्ठी का विभाग साध्वियों के स्थान पर किया जाए। विक्रम संवत 2008 का चातुर्मास दिल्ली में करना था। चातुर्मास के प्रारंभ में ही साधुओं में पानी के विभाग की व्यवस्था पर चिंतन चला। सामुदायिक पानी को अपने अपने वर्ग की अपेक्षा के अनुसार अपनी अपनी गोचरी से लाने का निर्देश दे दिया। किसी गोचरी में पानी उपलब्ध न हो तो दूसरी गोचरी वालों से पूछकर लाने की व्यवस्था हो गई। इससे सबको संतोष मिला। असंतोष पहले भी नहीं था। हमारे साधु साध्विया इतने विनीत और समर्पित हैं कि जिस समय उन्हें जो व्यवस्था दी जाती है उसका पालन पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। आगे चलकर आहार की व्यवस्था भी अपने अपने वर्ग की कर दी गई। वर्गीय पद्धति से गोचरी कर लाओ और दिखाकर ले जाओ, इससे आहार के विभाजन में लगने वाले समय की बचत हो जाती है। वर्तमान में पूरे संघ में यही व्यवस्था है। यह प्रयोग भी स्थायी नहीं है। अपेक्षा होने पर पुनः सामूहिक गोचरी और विभाग की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। गोचरी की व्यवस्था के संचालन में इन 6 दशकों में मंत्री मुनि मगनलाल जी, मुनि चंपालाल जी, मुनि बालचंद जी, मुनि मधुकर जी आदि कई साधु जुड़े रहे हैं। तब से अब तक व्यवस्था में इतना अंतर आ गया है कि प्राचीन युग के साधु साध्विया लौटकर देखना चाहे तो संभवतः उनकी समझ में भी नहीं आएगा कि तेरापन धर्मसंघ की गोचरी व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई। जनसंपर्क अभियान। दिल्ली चातुर्मास नई संभावनाओं का चातुर्मास था। हमारे सामने करणीय कार्यों की एक लंबी सूची थी। उसमें दो काम प्रमुख थे, अनुरोध का प्रचार प्रसार और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संपर्क। अनुरोध एक ऐसा व्यापक उपक्रम है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में काम किया जा सकता है। इस दृष्टि से मैंने साधुओं को दो निर्देश दिए। मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अनुरोध का प्रचार करो, बुद्धिजीवी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करो।
चातुर्मास के प्रारंभ से ही अनेक साधु अपने कार्य में संलग्न हो गए। जनसंपर्क और प्रचार प्रसार के साथ एक और महत्वपूर्ण काम था साधुओं को आगम की वाचना देना। श्रावण कृष्णा चतुर्थी को आगम वाचन का कार्य शुरू किया। वाचना के लिए छेद सूत्र निसिहज्जायणम को चुना गया। श्रावण कृष्णा पंचमी का प्रभात नेमीचंद जी गदैया और नेमीचंद जी पिंचा के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निजी सचिव श्री चक्रधर शरण आए। चक्रधर बाबू के मन में साधु संतों के प्रति सहज श्रद्धा और विनम्रता के भाव थे। वे दिल्ली के प्रथम प्रवास में हमसे मिल चुके थे। उन्होंने कहा, आपके दिल्ली चातुर्मास की घोषणा सुनकर राष्ट्रपति जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उनकी भावना है कि आप जो नैतिक अभियान चला रहे हैं उसे पूरी शक्ति के साथ चलाएं, वह देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। चक्रधर बाबू के साथ एक तिब्बती लामा भी थे। लामा से हमारी जैन दर्शन के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने प्रवचन भी सुना। संपर्क अभियान। श्रावण कृष्णा षष्ठी को एस के लाल और उनके परिवार ने दर्शन किए। उन्होंने तेरापन धर्म संघ के उद्भव और विकास का पूरा इतिहास जाना। श्री लाल की पत्नी बोली, आचार्य श्री, हमारी धारणा यह थी कि साधु संत देश पर भार हैं। ये कोई काम तो करते नहीं, केवल भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और उससे अपनी जय जयकार कराते रहते हैं। आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। आपकी चर्या को विस्तार से समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि साधु संत देश के लिए गौरव हैं और आप जैसे संत तो बहुत अधिक ठोस काम कर रहे हैं। उसी दिन प्रसिद्ध पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार के साथ महात्मा भगवान दीन आए। वे एक मंजे हुए लेखक और अच्छे विचारक थे। उनके साथ देश की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में अनुरोध पर गंभीर चर्चा हुई। श्रावण कृष्णा अष्टमी को प्रातः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तखतमल जी जैन ने दर्शन किए। उन दिनों कई प्रदेशों में जैन बंधु राजनीति में सक्रिय थे और अच्छे पदों पर काम कर रहे थे। श्री जैन के साथ लंबी चर्चा चली। उन्होंने बाल दीक्षा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए। प्रश्नों के उत्तर पाकर उन्होंने संतोष प्रकट किया। श्रावण कृष्णा त्रयोदशी को मध्य प्रदेश के माल मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल, न्याय मंत्री श्री जगमोहन लाल श्रीवास्तव और शिक्षा मंत्री श्री मनोहर सिंह मेहता ने जैनेन्द्र कुमार जी के साथ दर्शन किए। अनेक विषयों पर रोचक वार्तालाप हुआ। श्रावण शुक्ला एकम को बंगाल से श्री मिहिर चंद चट्टोपाध्याय आए। वे सुगनचंद जी आचल्या के अच्छे मित्र में से एक थे। उनके साथ आधा घंटा बातचीत हुई। श्रावण कृष्णा तृतीया को राजस्थान के उपमंत्री श्री अमृतलाल यादव और भोगीलाल जी पांड्या ने दर्शन किए। तेरापंत और अनुरत के बारे में जानकारी पाने के लिए वे बहुत उत्सुक थे। उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा वृत्ति को देख मैंने उनको विस्तार से पूरी जानकारी दी। उसी दिन हिंदी के ख्यातनाम आलोचक डॉक्टर नगेंद्र मिले। साहित्य विषयक चर्चा के मध्य उनको कालू यशो विलास के कुछ पद्य सुनाए। उन्होंने पूरी रुचि के साथ पद्य सुने। उनके द्वारा प्रदत्त विषयों पर मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी ने आंसू कविता की। श्रावण शुक्ला षष्ठी से जनसंपर्क सप्ताह शुरू हुआ। उस सप्ताह में दो दो साधुओं के 6 वर्ग दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों, विद्यालय और मोहल्लों में गए। सदाचार का वातावरण बनाने की दृष्टि से वह सप्ताह बहुत कार्यकारी रहा। हजारों लोगों ने अनुरोध के बारे में जानकारी प्राप्त की। सैकड़ों व्यक्तियों ने अनुरोध के नियम स्वीकार किए। भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने की दृष्टि से चलाया गया वह अभियान लोक जीवन में गहरे तक जमी हुई जड़ों को उखाड़ तो नहीं पाया, पर उन्हें हिलाने में अवश्य सफल रहा। उस समय देश के प्रबुद्ध वर्ग की दृष्टि में जैन साधुओं की छवि बहुत साफ नहीं थी। इसका एक बड़ा कारण जैन सिद्धांतों की समुचित जानकारी का अभाव था। जैन धर्म के बारे में कुछ भ्रांतियां भी थी। निकट संपर्क में आने और विचार सुनने से उन भ्रांतियों का निराकरण हुआ और धारणाओं में परिवर्तन हुआ। उसी दिन पूर्वी पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भीमसेन सच्चर मूलचंद जी सेठिया के साथ आए। अनुरोध के बारे में जानकारी पाकर उन्होंने कहा, इस नैतिक आंदोलन को पूरे देश में चलाना चाहिए। उस सप्ताह में श्री अक्षय कुमार जैन, फतेहचंद जी बेलानी, बरार केसरी, श्री व्रजलाल बियाणी, भोपाल के जनप्रतिनिधि श्री ठाकुर सिंह जी आदि अनेक व्यक्तियों के साथ अनुरोध के बारे में चर्चा हुई।
श्री बियाणी आचार्य भिक्षु की रचनाएं सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस प्रकार के महत्वपूर्ण पद्यों को संकलन कर छोटी छोटी पुस्तिकाओं में प्रकाशन होना चाहिए। जब तक ऐसे मूल्यवान विचार जनता तक नहीं पहुंचेंगे, जनता उनका मूल्यांकन कैसे कर पाएगी। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम था। उस दिन डेनमार्क से ओल्सन ने अपनी पत्नी और मित्रों के साथ दर्शन किए। 1.5 घंटे तक बातचीत करने के बाद भी उनके प्रश्न शेष रह गए। उनकी जिज्ञासा वृत्ति भारतीय लोगों को प्रेरणा देने वाली थी। वे जैन धर्म के बारे में इतने गहरे प्रश्न कर रहे थे मानो उन्होंने उस विषय का अच्छा अध्ययन किया हो। शेष प्रश्नों के लिए उन्होंने दूसरी बार वहां आने की इच्छा व्यक्त की। उसी दिन संध्या के समय भारतीय विधान परिषद के सदस्य तथा महाकौशल कांग्रेस के अध्यक्ष सेठ गोविंद दास जी अपनी धर्म पत्नी के साथ आए। आधा घंटा तक धर्म और राजनीति के बारे में खुलकर चर्चा हुई। विचार परिषदों का सिलसिला। भाद्रपद मास का प्रथम दिन अनुरत समिति की ओर से अनुरत विचार परिषद का आयोजन। कार्यक्रम के संयोजक थे देवेंद्र कुमार कर्णावट। प्रमुख वक्ता थे भारत के श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम। 2 घंटे के कार्यक्रम में देश में हो रहे नैतिक मूल्यों के शरण और उन्हें पुनः प्रतिष्ठापित करने की दृष्टि से उत्साहवर्धक विचार सामने आए। श्रोताओं में नया विश्वास पैदा हुआ। 1 सप्ताह के अंतराल में समायोजित दूसरी अनुरत विचार परिषद में अनुरत के संदर्भ में अनेक विशिष्ट वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। उनमें गुलजारी लाल नंदा और श्री जिनेन्द्र कुमार के साथ प्रमुख वक्ता थे अखिल भारतीय संस्कृति संगम के महामंत्री, भारतीय हिंदी परिषद के सदस्य, मद्रास के सांसद श्री एस सत्यनारायण। वक्तव्यों के बाद प्रश्नोत्तर का अच्छा क्रम चला। 3री विचार परिषद में आमंत्रित वक्ता थे भारत सरकार के अनुसंधान मंत्री श्री श्री प्रकाश। उन्होंने नागरिकता के आदर्श विषय पर मंजे हुए विचार रखे। 4थी विचार परिषद में शिक्षा कैसे हो, इस विषय पर शिक्षा परामर्शक प्रोफेसर हुमायूं कबीर का वक्तव्य हुआ। 5वीं विचार परिषद के प्रमुख वक्ता थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं सांसद श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन। उस दिन चर्चा का विषय था भारतीय लोकतंत्र और चरित्र। विचार परिषद की 6थी संगोष्ठी में श्री जिनेन्द्र कुमार ने नीति की मर्यादा विषय पर दार्शनिक दृष्टि से प्रकाश डाला। 7वीं संगोष्ठी को संबोधित किया अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महामंत्री श्री शंकर लाल देव ने। 8वीं संगोष्ठी में पूर्व पुनर्वास मंत्री मोहन लाल सक्सेना ने अपना प्रभावी वक्तव्य दिया। 9वीं संगोष्ठी को संबोधित करने वाले थे बिहार के अर्थ मंत्री श्री अनुग्रह नारायण। उस दिन की चर्चा के लिए लोकतंत्र निर्वाचन पद्धति का विषय बनाया गया। विचार परिषद की 10वीं संगोष्ठी में धर्म और कला विषय की परिक्रमा की गई। उसके प्रमुख वक्ता थे राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार श्री देवीलाल सांभर। श्री सांभर भारतीय लोक कला के पुरस्कर्ता थे। उन्होंने कठपुतलियों की कला का विकास नैतिक एवं व्यवहारिक मूल्यों को लोक जीवन से जोड़ने के लिए किया। श्री सांभर की धर्म पत्नी श्री जतन देवी परम भक्ता और समर्पित श्राविका थी। सांसारिक या पारिवारिक दृष्टि से पति पत्नी के बीच गहरी आत्मीयता थी, किंतु धर्म के मामले में वे 3 और 6 के अंक की तरह विरोधी विचार के थे। उस दिन अनुरत विचार परिषद में वे श्रावक की हैसियत से नहीं कलाकार की हैसियत से आए थे। कला के संबंध में उनके विचारों ने हमें प्रभावित किया और हमारे विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा। उसके बाद वे निकट आते गए। निकट संपर्क में रहकर उन्होंने अनुरत को समझा। उसके बाद वे अनुरति बने, अखिल भारतीय अनुरत समिति के अध्यक्ष बने, 13पंथी श्रावक बने और अपनी पत्नी की तरह परम भक्त बन गए। अनुरत संबंधी गीत उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। प्रातः और साय होने वाली प्रार्थना ने भी उनको प्रभावित किया। अनुरत विचार परिषद की श्रृंखला में 11वीं कड़ी कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन जुड़ी। वह इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी थी। शांति और विज्ञान विषय पर आयोजित उस संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता थे बार एटला श्री डालमचंद जी सेठिया। श्री सेठिया सुजानगढ़ के श्रावक मूलचंद जी सेठिया के पुत्र और नारी रत्न सज्जन देवी चोपड़ा के पिता थे। उस समय समाज के प्रबुद्ध एवं चिंतनशील व्यक्तियों में से एक थे। टुकड़ा तुलसी मिलन।
गुरुदेव सेवा मंडल के संस्थापक संत तुकड़ोजी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। उनके भक्त लाखों की संख्या में थे। उनकी सभाओं में हजारों लोग होते थे। वे विशेष रूप में भगवत भक्ति और नैतिकता से संबंधित भजन गाते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में हमारे विषय में सुना, तब से उनकी मिलने की इच्छा थी। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की। दूसरे दिन वे नया बाजार में हमारे आवास स्थल में पहुंचकर बोले, मैं आपके दर्शन करने और राष्ट्रपति जी से मिलने यहाँ आया हूँ। कल मैं राष्ट्रपति जी से मिला था, आपके बारे में उन्होंने कहा। आचार्य तुलसी यहाँ आए हुए हैं, वे अनुरोध का काम कर रहे हैं। इस काम में मेरी दिलचस्पी है, मैं अनुरोध को महत्व देता हूँ। राष्ट्रपति की बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई। अनुरोध के बारे में मैंने भी सुना है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने संत तुकड़ोजी को अनुरोध के दर्शन, उसकी आचार संहिता और उस संदर्भ में होने वाले कार्यक्रमों की अवगति दी। अनुरोध के नियम सुनकर तुकड़ोजी बोले, आचार्य श्री, मैं भजन लिखता हूँ। मेरी इच्छा है कि अनुरोध के सब नियमों पर एक एक गीत लिखूँ। उन्होंने अनुरोध के नियमों पर गीत लिखे या नहीं मुझे जानकारी नहीं मिली, पर हमारे साथ उनके मिलन प्रसंग को लेकर लिखे गए एक गीत का मुखड़ा मुझे आज भी याद है। टुकड़ा तुलसी से भेंट हुई, हम भी गाए तुम भी गाओ। भादोपद मास के शुक्ल पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्यों के विशेष अनुरोध पर हम वहां गए। क्लब के सदस्यों, सांसदों, पत्रकारों और प्रतिष्ठित नागरिकों के बीच प्रवचन हुआ। लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर एवं डॉक्टर नटराजन भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री आयंगर ने कार्यक्रम की संपन्नता पर गोचरी हेतु संतों को उनके घर भेजने के लिए अनुरोध किया। मैंने मुनि नथमल जी को वहां भेजा तो उन्होंने धन्योस्मि अनुग्रहोस्मि कहकर आभार प्रकट किया। उसी दिन मध्याह्न में दीवान चंद ट्रस्ट हॉल में समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण और श्री व्रजकृष्ण चांदीवाल मिलने आए। उन्हीं दिनों लोकसभा के सदस्य ठाकुर लाल सिंह, रोहिणी कुमार चौधरी, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री विजय सिंह जी नाहर आदि अनेक व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श हुए। उस वर्ष संवत्सरी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी की थी। जैन शासन का महान पर्व संवत्सरी व्यापक रूप से मनाया जाए, इस दृष्टि से संवत्सरी को अहिंसा दिवस के नाम से मनाया गया। उस दिन हजारों व्यक्तियों ने उपवास, मौन और आत्मचिंतन किया। पोषण करने वाले भी सैकड़ों व्यक्ति थे। पूरे देश में मनाए जाने वाले उस विशिष्ट दिन का कार्यक्रम 1 बजे से 4 बजे तक चला। उसमें जैन, बौद्ध, इस्लाम, आर्य समाजी, सनातनी सिख आदि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अनेक वक्ताओं ने अहिंसा के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उस दिन सरदार शहर में 2 वर्ष और 2 मास के एक अबोध शिशु ने उपवास कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को खमत खामना दिवस का आयोजन उत्साह और आकर्षण भरे वातावरण में संपन्न हुआ। भाद्रपद शुक्ला नवमी को वर्षा होने के कारण प्रातःकालीन कार्यक्रम नहीं हो पाया। मध्याह्न में 2:30 बजे चांदनी चौक घंटाघर के सामने टाउन हॉल में पटोत्सव का कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन विशाल महिला सम्मेलन था। कार्यक्रम का संचालन महादेव जी सरावगी की पोत्री श्रीमती कृष्णा खेतान ने किया। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को नेपाल के गृह मंत्री श्री कोइराला के भाई और नेपाल के राजदूत के सेक्रेटरी मिले। श्री कोइराला ने महीनों में 15 दिन मांस न खाने का संकल्प स्वीकार किया। मध्याह्न में गांधीवादी विचारक श्री हरिभाव उपाध्याय, प्रसिद्ध कथाकार श्री विष्णु प्रभाकर, श्री यशपाल जैन, डॉक्टर गिरिवर सहाय आदि अनेक व्यक्तियों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप हुआ। आचार्य भिक्षु का आभास। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी भिक्षु चर्मोत्सव का दिन बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होना था, किंतु दिन भर वर्षा के कारण नहीं हो सका। आचार्य भिक्षु की स्मृति में सहज ही उपवास का अवसर मिल गया। उस दिन भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष ऋषभदास राका, उपाध्यक्ष राजमल ललवाणी, महामंत्री ताराचंद कोठारी, प्रमुख कार्यकर्ता सुगनचंद लुणावत, केसरी चंद गुगलिया आदि के साथ जैन एकता के बारे में अच्छी चर्चा हुई। श्री हरिभाव उपाध्याय तथा कई संसद सदस्यों के बीच आचार्य भिक्षु के संगठन और मौलिक विचारों पर विस्तृत बातचीत हुई। गांधीवादी विचारक काका कालरेकर, विजकृष्ण चांदीवाल,
गोपीनाथ अमन, जैनेन्द्र कुमार जी आदि के साथ आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों, अहिंसा, दान दया आदि पर विचार विनिमय हुआ। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को दिल्ली नगर पालिका के निकटवर्ती मैदान में भिक्षु चर्मोत्सव का आयोजन हुआ। लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर, हरिभाव उपाध्याय, जैनेन्द्र कुमार आदि प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में आचार्य भिक्षु के जीवन और दर्शन पर प्रवचन हुआ। उस अवसर के लिए नवनिर्मित गीत का संगान हुआ। हस्तलिखित पत्रिका प्रयास का 325 पुष्टों पन्नों का विशेषांक मुनि दुलराज ने भेंट किया। श्री हरिभाव उपाध्याय अजमेर से जीतमल जी लुणिया के साथ दिल्ली आए थे। 3 दिनों तक उन्होंने प्रतिदिन हमारे साथ बैठकर विचार विमर्श किया। भिक्षु चर्मोत्सव के दिन प्रवचन सुनकर उन्होंने एक पत्र लिखकर अपने ड्राइवर के साथ भेजा। उसका सारांश यह है, आज आपका भाषण सुनकर लगा कि आप नहीं बोल रहे थे, स्वयं आचार्य भिक्षु बोल रहे थे। गीत का संगान करते समय तो आप भिक्षुमय बन गए थे। मैंने आपके सानिध्य में चलने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया है। मेरी सेवाएं आपके चरणों में प्रस्तुत हैं। आप जिस रूप में चाहे मेरा उपयोग करें। हरिभाव जी ऐसे व्यक्ति थे जो वैचारिक दृष्टि से सदा ही हमारे सहयोगी रहे। ओम अरहम।